एल्विश यादव और मैक्सटेन की कंट्रोवर्सी पर आखिर किसने लगाई थी आग? मैक्सटेन ने लगाया रैंडम सेना पर इल्ज़ाम। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, एल्विश और मैक्सटेन की कंट्रोवर्सी भले ही ख़त्म हो गई है, लेकिन हर दिन एक नई कंट्रोवर्सी, एक नया चेहरा और एक नया विवाद हो रहा है। इस समय रैंडम सेना वर्सेस एल्विश यादव का मुद्दा सबसे बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। जिस तरीके से रैंडम सेना का कैंपेन चल रहा है लगातार एल्विश के खिलाफ, और एल्विश के जो फैंस हैं वो एल्विश का साथ दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हिंदुस्तानी भाव जैसे हैं, जो एल्विश के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं, और कट्टर हिंदू जितने भी हैं वो सारे ही एल्विश का बॉयकॉट भी कर रहे हैं। लेकिन इस पर मैक्सटेन और रैंडम सेना का एक ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि एल्विश और मैक्सटेन में आखिर कौन है जिसने मैक्सटेन को एल्विश तक भेजा था और ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी कराई। बहुत सारे लोग पहले से ही, जब मैक्सटेन ने ये बातें कही कि एल्विश के खिलाफ उसको किसी ने भड़काया था, बहुत सारे लोग रैंडम सेना का नाम ले रहे थे। लेकिन अब एक ट्वीट है, जो ट्वीट आपके सामने है, कि रैंडम सेना को खुद ब खुद मैक्सटेन जो है वो ये कह रहे हैं कि मैक्सटेन को एल्विश यादव के पास और ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में रैंडम सेना ने ही भेजा था। एक ट्वीट में रैंडम सेना ने लिखा, FIR करने से पहले नहीं सोचा था। मैक्सटेन ने इसके पर रिट्वीट किया है और लिखा है, सोचा था पर आपने बोला कि ऐसी की तैसी कर दे एल्विश की, तो बहकावे में आ गया था। अब मैक्सटेन जो है वो एल्विश यादव के सॉन्ग में भी नज़र आ रहे हैं। अब ये जो बहकावा है वो मैक्सटेन कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं कि रैंडम सेना की वजह से उन्होंने एल्विश से पंगे लिए थे। हालांकि कंट्रोवर्सी मैक्सटेन और एल्विश की कभी थी ही नहीं। मैंने आपको हमेशा बताया कि जो भी कॉन्ट्रोवर्सी हुई उसमें मैक्सटेन तो सिर्फ एक मोहरा था। ये कॉन्ट्रोवर्सी एल्विश यादव वर्सेस रैंडम सेना हो रही थी, जिसमें फंस गया मैक्सटेन, और मैक्सटेन ने भी लाइमलाइट ली, मैक्सटेन ने भी हाइप ली और 1 मिलियन फॉलोवर लिया। मैक्सटेन का ये जो ट्वीट है वो बहुत सारे एल्विश आर्मी, एल्विश फैन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि मैक्सटेन किसका नाम ले रहा है। वो रैंडम सेना की बात कर रहा है कि एल्विश और मैक्सटेन में जो लड़ाई हुई उसके पीछे की वजह सिर्फ रैंडम सेना था। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पर, आप किसके साथ हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।